नवरात्रि पर बंग समाज द्वारा हुडको स्थित रविंद्र निकेतन कालीबाड़ी में भी मां दुर्गा की स्थापना कर 5 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। इसकी व्यापक तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। हुडको कालीबाड़ी से नवरात्रि में सबको हार्दिक शुभकामना। जैसे ये बंगाली दुर्गा यहाँ पर स्थापित होती है, कितने दिन का कार्यक्रम है और क्या आयोजन किए हैं? षष्ठी 5 दिन, षष्ठी और पंचमी और दशमी, सबको शुभकामनाएं। माता जी को सबको ठीक ठाक रखे। कितने वर्षों से आ रहे हैं? बहुत तो साल से, शुरू होने का टाइम से आज तक आता है। आज तक एक एक मेरा इच्छा माँ पूरी कर देता है। माँ पूरी करती है? माँ पूरी करके अभी तक देता है। हम लोग सभी में ये करता है, सहयोग करता है। जैसे कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी मंदिर को लेकर के आसपास के लोगों में, खूब सुनकर खूब खराब लगा है। बस ये 5 दिन का आयोजन पंचमी से शुरुआत होगी और दशमी को सिंदूर उत्सव के साथ उसका अंत होता है। और सिंदूर उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे बंगाली समाज के लिए और खासकर महिलाओं के लिए। ये सिंदूर उत्सव महिलाओं के लिए ही मुख्य रूप से किया जाता है। माँ से यही कामना करता हूँ कि हम भिलाई वासी, हम हुडको वासी सारे लोग सुख समृद्धि से रहे, खुश रहे और सभी की मनोकामना कम से कम माँ पूर्ण करें। देखा जा रहा है कि कुछ लोगों में सद्बुद्धि खत्म सी हो गई है। इस आराध्य देवी के लिए भी जगह को लेकर के विवाद की स्थिति थी, क्या कहना चाहेंगे? माँ देखती है, माँ बहुत जागृत है और पूरे विश्व में, न कि भारत में, पूरे विश्व में माँ काली का जब रौद्र रूप आएगा तो ये सारे के सारे ध्वस्त हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। जो भी करना है वो माँ ही करेगी। देखिए, ये ऑलमोस्ट 36 साल से सेलिब्रेशन हो रहा है दुर्गा पूजा। आज 36 साल पुराना मंदिर है। हर साल देवी माँ की आराधना 5 दिनों के लिए होती है। विगत 36 साल से हम लोग सिर्फ पूजा नहीं, हम लोग बाकी सोशल वर्क भी करते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया है, मेडिकल चेकअप हो गया है और उसके बाद ड्राइंग एंड पेंटिंग, कल्चरल सब मिला के इवन बाहर से कलकत्ता से आर्टिस्ट आके प्रोग्राम करते हैं और बहुत ही अच्छे से सब लोग यहाँ पूजा मनाते हैं। क्या शहरवासियों से अपील करेंगे? हुडको वासी से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि विगत 36 साल पुराना जो मंदिर है उसमें कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए हमारे मंदिर पे टारगेट कर रहे हैं। मेरे उनसे निवेदन है कि ऐसा मत कीजिए। आप भी जानते हैं कि माँ सबके लिए है,